गांधी जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। आज आपको लग रहा होगा कि ज्ञानेन तिवारी आज तो आप जैकेट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, शर्ट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुर्ते में दिखाई दे रहे हैं। ये विशेष कुर्ता खादी का कुर्ता, इसीलिए कह रहा हूं आपको सभी को शुभकामनाएं गांधी जयंती। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको एक घंटे 8 से 9 वो कौन सी खबरें हैं देश दुनिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो जानना जरूरी है वो आपको दिखाता हूं। चलिए आज बात कर लेते हैं कौन सी खबर है जो मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं। सबसे पहले बात आज गांधी जयंती की ही करेंगे, खादी पर आज विस्तार से बात करेंगे। खादी की आजादी बहुत बढ़ गई है, आपको पता है खादी का कारोबार 400% बढ़ गया है। कितना? 400%। कैसे? गांधी मंत्र से नया भारत बन रहा है, एक एक तस्वीर दिखाएंगे, स्वच्छता की तस्वीर भी दिखाएंगे, जुड़े रहिएगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर में बात मिडिल ईस्ट में छिड़े महायुद्ध की करेंगे। इजराइल पर ईरान ने बड़ा हमला कर दिया है, अब इजराइल भी मानने वाला नहीं है, लेकिन इस महाजंग का भारत में क्या असर होने वाला है जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा, युद्ध की हर तस्वीर दिखाते हुए विस्तार से खबर बताएंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश डर गया है, डरेगा ही, जैश ए मोहम्मद के नाम से धमकी आई, महाकाल मंदिर को उड़ाने की धमकी दी है, हलचल मच गई है। लेकिन याद रखिएगा मध्य प्रदेश डरने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक नया भारत है। इसलिए कह रहा हूं कि जैसे मोहम्मद जैसे लोग अपनी हद में रहे। चौथी खबर में आपको अशोकनगर से आई एक तस्वीर दिखाएंगे। रेलवे कर्मी नशे में था, रेलवे फाटक बंद नहीं किया, बड़ा हादसा होते होते बचा है। रेलवे कर्मी की लापरवाही 100 लोगों की जान ले लेती, गनीमत है बस ड्राइवर सतर्क था, सभी लोग बच गए। पांचवी खबर में बात छत्तीसगढ़ की करेंगे। कांकेर में तेंदुए की दहशत में लोग जी रहे हैं, तेंदुआ लोगों को शिकार बना रहा है, जुड़े रहिएगा, सावधान करने वाली खबर है, पूरी खबर बताएंगे। छठवीं खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की न्याय यात्रा खत्म हो गई है। कांग्रेस ने इस न्याय यात्रा में कितना दम दिखाया है विस्तार से आपको दिखाएंगे। मंच पर बड़े बड़े नेता आए हैं, कल ही सवाल उठाया था मैंने कि बड़े नेता कहाँ हैं। सातवीं खबर में आपको एक बाप बेटे के प्यार की खूबसूरत तस्वीर दिखाएंगे, बालोद से आई है, बस का किराया ज्यादा था, पिता मैकेनिक थे तो बेटे के लिए एक बैटरी वाली साइकिल बना दी, बहुत प्यारी कहानी है, देखेंगे तो अच्छा लगेगा। आठवीं खबर में आपको छत्तीसगढ़ में 30 गांव में हुए 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी की कहानी बताएंगे। बताइए गांव वालों से 10 करोड़ ठग ली, अच्छा गांव में 10 करोड़ आया कहां से, ये भी तो जानना जरूरी है, जुड़े रहिएगा विस्तार से बताएंगे। और आखिर में आपको एक रिसर्च भी बताऊंगा जो मैं आपको बताता हूं बुलेटिन के अंत में। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। और आज खादी की आजादी बढ़ी है, महात्मा गांधी बैठे हुए हैं और खादी की बात करते समय राष्ट्रपिता को कोई कैसे भूल सकता है। आज पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जा रही है, देश भर से तस्वीरें आ रही हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है महात्मा गांधी के 2 सपने को पूरा करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं। पहला है स्वच्छ भारत मिशन और दूसरा है स्वदेशी अपनाओ, खादी को बढ़ाओ। गांधी जयंती पर अक्सर पूरे देश से बड़े बड़े नेताओं की साफ सफाई की तस्वीर आती है। इस बार बीजेपी के बड़े बड़े नेता खादी भंडार भी पहुंचे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी पत्नी के लिए खादी की साड़ी खरीदी। इतना ही नहीं, सीएम विष्णुदेव साय ने 25% सब्सिडी का भी ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी खादी भंडार जाकर खरीदारी की है। इसलिए सीधे मुद्दे की बात में आज देश में तेजी से बढ़ते खादी के व्यापार पर विस्तार से चर्चा करें। लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखना पड़ेगा ताकि आप मेरी खबर का लब्बुलुआब समझ जाएं, देख लें, दिखाइए। खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। खादी के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। आने वाले 21 मार्च 2025 तक खादी के वस्त्रों में पूरे
छत्तीसगढ़ के लोगों को 25% सब्सिडी मिली। वोकल फॉर लोकल की भावना के साथ देशवासी स्वदेशी उत्पादों को हाथों हाथ खरीद रहे हैं। सालों पहले देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महात्मा गांधी ने एक सपना देखा। अगर भारत को बाहरी शक्तियों से लड़ना है तो सबसे पहले आत्मनिर्भर बनना होगा। स्वदेशी अपनाओ और विदेशी सामानों का बहिष्कार करो। इसी सपने के साथ महात्मा गांधी ने चरखा चलाकर खादी अपनाने का मंत्र दिया और अब प्रधानमंत्री मोदी के लगातार कोशिशों के बाद देश में खादी ग्रामोद्योग का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश में भी खादी की डिमांड बढ़ने लगी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल पेरिस दौरे पर गए थे तो इसका एक किस्सा सुनाया था। क्या किस्सा था जानना चाहते हैं, सुन लीजिए। देश विदेश में खादी के कपड़ों की डिमांड बढ़ रही है। मैं कुछ दिनों पहले ही पेरिस में, वहां एक बहुत बड़े फैशन ब्रांड की सीईओ से मिला था। उन्होंने भी मुझे बताया कि किस तरह विदेश में खादी और भारतीय हैंडलूम का आकर्षण बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लगातार प्रयासों से, देख लीजिए, अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए सब कुछ बता देता हूं, देख लीजिए। प्रयासों से 10 साल पहले तक खादी ग्रामोद्योग का जो कारोबार 25,000 से 30,000 करोड़ के आसपास था, वो अब 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सोचिए, 1.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो गया है खादी का, 1.5 लाख करोड़ का। और ये 1.5 लाख करोड़ रुपए किसके पास जा रहे हैं? हथकरघा से जुड़े लोगों के पास जा रहे हैं भाई साहब। मतलब अपना देश सशक्त हो रहा है, सशक्त हो रहा है। देश में 10 साल में खादी की बिक्री 400% बढ़ गई है, 400%। खादी का क्रेज लोगों में कैसे बढ़ रहा है, ये जानने के लिए विस्तार न्यूज की टीम ने लोगों से बात की है। सुना दीजिए भाई, खादी को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। जी, कि हम लोग ड्रेसेस देखते हैं, वो जिस तरह से उनका ड्रेसिंग अप सेंस है, उनके कुर्ता जैकेट, तो यूथ काफ़ी उनकी तरफ आकर्षित हुआ है। हमारी परंपराओं का पुनर्जीवन हुआ है खादी के, फिर से एक बार यंग लोगों के रुझान में आने के चलते लोग अब देश की बनी हुई चीज़ें खरीदना चाहते हैं और खादी खासकर लेना चाहते हैं, क्योंकि गांधी जी की थ्योरी कहती है कि स्वावलंबन। गर्मी में, ठंड में, किसी भी सीजन के लिए हम हमेशा यही यूज करते हैं। कई सालों से खादी पहनते हैं। कपड़े खादी के तो काफ़ी बिकते हैं हमारे यहाँ और अब नए युवा लोग भी बहुत पसंद करते हैं। अभी आज के दौर में तो एक से एक कलेक्शन आ रहा है, डिजाइन डिफरेंट आ रहा है, लोगों का चॉइस बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन। इसमें बढ़िया है, अच्छा काम हो रहा है, मतलब रिस्पॉन्स भी ज़्यादा मिल रहा है। देखिए, एक दुकानदार ने कहा कि नए युवा बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो मैं अपने आप को युवा मानता हूं और आप देख रहे होंगे तो आप भी मान रहे होंगे। देखिए, जीन्स है, ऊपर खादी का कुर्ता है, नीचे शूज, कहाँ कुछ गड़बड़ है। आप शर्ट के अंदाज में पहनिए, स्मार्ट लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं ये तो आप बताएंगे, लेकिन नए युवा पसंद कर रहे हैं और ये फैशन है आजकल। तो खादी इसीलिए तो लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहा है। चलिए अब बता देता हूं आपको, आगे बढ़ते हैं खबर। महात्मा गांधी के मंत्र से भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। बात स्वच्छता की भी कर लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को भी आज 10 साल पूरे हो गए, 10 साल हो गए पूरे। 10 साल पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा शुरू की। ये यात्रा अब 10 साल के मुकाम पर पहुंच चुकी है। 10 साल पहले 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इसके बाद ये यात्रा लगातार चलती रही। आज 10 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज स्कूली बच्चों के साथ स्वच्छता मिशन में हिस्सा लिया, खुद सफाई करके दूसरों को स्वच्छ भारत बनाने का संदेश दिया। पहले स्वच्छता मिशन की यह तस्वीर देख लीजिए, फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। दिखाइए,
गांधी जयंती पर कुछ खास तस्वीरें आई थी, इसलिए विस्तार से दिखाना जरूरी था। और आज गांधी जयंती के दिन दिल से गांधी जी को याद करना चाहिए, देशवासियों को शुभकामना देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? ईरान की गलती महायुद्ध न शुरू करवा दे। देखिए, अभी मैं शांति की बात कर रहा था और जब गांधी जयंती में खबर गांधी के बारे में बताते हुए पढ़ रहा था तो कैसे शांति से पढ़ रहा था, जो मेरी तासीर नहीं है, लेकिन फिर भी जब गांधी जी को कोई याद करता है तो अपने आप उस तरह से शांति से बात करने लगता है। लेकिन अगले ही पल मुझे बदलना होगा। क्यों बदलना होगा आपको पता है? क्योंकि यहां देख लीजिए, ईरान की गलती महायुद्ध ना शुरू करवा दे, इसलिए मुझे बदलना पड़ेगा और आपको युद्ध की खबर बतानी पड़ेगी। ईरान ने इसराइल पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है भाई साहब, बहुत बड़ा हमला कर दिया है। ईरान की ओर से इसराइल पर करीब 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। ईरान के हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल बढ़ गई। दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ईरान और इसराइल एक दूसरे को धमकी पर धमकी दे रहे हैं। पूरी दुनिया में डर बन गया है कि यह महाजंग और तेज ना हो जाए। इजरायली सेना ने बताया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। ईरान के हमले के बाद इसराइल भी गुस्से में है, तमतमा गया इसराइल। ईरान ने इसराइल पर बीती रात ताबड़तोड़ हमले किए। इसराइल पर हमले के खबर मिलते ही ईरान में जश्न शुरू हो गया। ईरान से लेकर गाजा तक रात भर जश्न मनाया गया। हालांकि ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इसराइल के डिफेंस सिस्टम में नष्ट कर दिया। इस युद्ध पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी कहा है कि हम पूरी तरह से इसराइल के साथ हैं। इस महाजंग की आहट भारत तक भी पहुंच गई है। भारतीयों को ईरान की यात्रा पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। इसराइल और ईरान में छिड़े इस महाजंग पर पहले ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दिखाइए। ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. इसराइल में हमला हुआ और भारत में सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली में इसराइल एम्बेसी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाकों में की घेराबंदी की। एयर इंडिया ने भी बयान जारी कर कहा है कि हालात पर पूरी नजर है, मध्य पूर्व देशों की उड़ानों का मूल्यांकन कर रहे हैं। चलिए सब कुछ आपको दिखा देता हूँ, सब कुछ आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूँ। इस साल ईरान ने इसराइल पर दो बड़े मिसाइल अटैक किए हैं। 5 महीने पहले अप्रैल में ईरान ने करीब 110 बैलिस्टिक मिसाइल और 30 क्रूज मिसाइलों से हमला किया था और दूसरा बड़ा हमला कल यानी 1 अक्टूबर की रात किया। इसमें 30 मिनट में 181 भाई साहब 181 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की तरफ से इसराइल पर दागी गई है। इसलिए बात अमेरिका तक पहुंच गई है। भारत में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। कल हुए हमले में एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हो गई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन इसराइल के आयरन डोम ने ज्यादा खतरा होने से रोक दिया है। इस हमले के बाद मध्य पूर्व देशों में उड़ानों पर भी असर पड़ा है। ईरान जॉर्डन समेत कई देशों के एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं। लगातार हो रही मिसाइलों के हमले से उड़ानों को खतरा है, इसलिए एयर स्पेस बंद करने का फैसला किया गया है। जॉर्डन ने बयान जारी कर कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। जब दो देश आपस में टकराते हैं तो उसका कितना असर होता है, ये आपको दिखाई और सुनाई दे रहा होगा विस्तार न्यूज की इस रिपोर्ट के जरिए। यह हमला क्यों हो रहा है ये जानने के लिए आपको ठीक एक साल पहले ले चलते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल को कभी ना भूलने वाला जख्म दिया था।
7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर 75 सालों का सबसे घातक हमला किया था। किसने? हमास ने। इस हमले में 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे, 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए थे। इस भयावह जंग का मास्टरमाइंड था इस्माइल हानिये, जिसे इसी साल 31 जुलाई को इजराइल ने मार गिराया। हमास चीफ हानिया ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचा था। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ के अगले दिन ही तेहरान में एक हमले में आतंकी संगठन हमास के चीफ को इजराइल ने मार दिया, जिसके बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है, और ये उसी का नतीजा है। हमास चीफ हानिया के खात्मे के बाद इजराइल ने 27 सितंबर को लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर आई। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद ईरान गुस्से में था। बार बार आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है, और कल यानी 1 अक्टूबर की रात 10 बजे ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया। ये सब वजह आपको बता रहा हूं। अब ये हमला हो गया है तो ये भी बताना जरूरी है कि इसका भारत पर असर कैसे होगा। दरअसल इजराइल पर ईरान के हमले के बाद से मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने की आशंका बढ़ गई है, जिसका सीधा असर तेल की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट की माने तो अगर जंग होती है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह अफगानिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर और यूएई तक जाएगा। ये ऐसे देश हैं जहां से बड़े पैमाने पर भारत तेल आयात करता है। मतलब समझ रहे हैं, जिन देशों से भारत तेल आयात करता है वहां भी जंग का असर होगा, और असर होगा। जंग के समय तेल की सप्लाई कम होगी और डिमांड ज्यादा, ऐसे में तेल के दाम बढ़ने लगेंगे, जो भारत पर सीधा असर डालेंगे। सीधे मुद्दे की बात यही है कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। अगली खबर दिखा दीजिए। जैश ए मोहम्मद, अपनी हद में रहो। ये किसको धमका रहे हैं? किसको धमका रहे हैं? नए भारत को धमका रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बिना तनाव चुनाव हो गया तो दहशतगर्द तिलमिलाए हुए। राजस्थान में एक चिट्ठी मिली है, हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन मास्टर को चिट्ठी मिली है, जिसने धमकी दिया है। वो खुद को जैसे मोहम्मद का एरिया कमांडर बता रहा है, वही जैसे मोहम्मद जिसका सरगना मसूद अजहर है। मोहम्मद सलीम अंसारी के नाम से यह चिट्ठी आई है, देख लीजिए। लेटर में 30 अक्टूबर और 2 नवंबर की तारीख दी गई है। महाकाल मंदिर और उज्जैन रेलवे स्टेशन के साथ साथ बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर जैसे स्टेशनों के नाम को लिखते हुए धमकी दी गई है। क्या लिखा है, क्या कहा गया है, धमकी किसने दी है, चिट्ठी कैसे आई, इसकी तो जांच चल ही रही है। लेकिन इससे पहले बाबा महाकाल की नगरी में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। ये दो तस्वीरें देख लीजिए। जो महाकाल दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं वो इस खबर को विस्तार न्यूज़ के देख लीजिएगा और निश्चिंत हो जाइएगा। और कालों काल महाकाल जहां हो, महाकाल परिसर से लेकर रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा का इंतजाम देखिए। डॉग स्क्वाड लेकर पूरी निगरानी की जा रही है। ट्रेन की बोगी के अंदर भी कुत्तों की सहायता से जांच की जा रही है, कोई बड़ी घटना ना हो जाए। प्रशासन इसको लेकर बहुत चौकन्ना है। संदेह होने पर बैग खोलकर भी तलाशी ली जा रही है। धमकी के बाद उज्जैन, महाकाल परिसर और रेलवे स्टेशन पर कैसा माहौल है, ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझ जाएंगे। दिखाइए। पूरी तरीके से सतर्कता से चेकिंग अभियान चला जा रहा है। रूटीन चेकिंग है, BDS हमारी डेली आती है, डेली चेकिंग करती है। ये रूटीन चेकिंग का समय है आज, और पर्व स्नान को देखते हुए और सावधानी से चेक कर रहे हैं। संदिग्ध तरीके से एक पत्र मिला है जिसमें जैश ए मोहम्मद के द्वारा कई इलाकों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, और उसमें मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर और रेलवे स्टेशन का भी जिक्र किया गया है। उज्जैन स्टेशन महाकाल बाबा की नगरी है, यहाँ पर समय समय पर सर्चिंग की जाती है। सुरक्षा के मद्देनजर हमेशा ही जो है BDDS टीम और RPF और GRPF के द्वारा सघन चेकिंग उज्जैन महाकालेश्वर नगरी को देखते हुए की जाती है। कल से देश भर में नवरात्रि का महापर्व शुरू होने वाला है। इससे पहले इस धमकी ने हलचल बढ़ा दी है।
वैसे जैसे मोहम्मद पहले भी कई बार ऐसी धमकियां दे चुका है। जैसे मोहम्मद ने ही सितंबर 2019 में भी भोपाल रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी थी। मई 2022 में रुड़की, नजीबाबाद, देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार को भी दहलाने की धमकी दे चुका है जैसे मोहम्मद। फिर कह रहा हूं, नया भारत है, गुस्ताखी मत कर देना। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी ऑडियो मैसेज जारी करके राम मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई थी। कुछ कर पाए, कुछ हुआ नहीं। सुन लीजिए कान खोलकर, बार बार कह रहा हूं, नया भारत। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं, चौकन्ना है। महाकाल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जनता क्या कह रही है ये भी सुन लीजिए। सुनाइए भाई, जनता क्या कह रही है। ना पर्स वगैरह चेक किया, कोई माचिस तो नहीं है, लाइटर नहीं है या फिर चाकू छुरी कुछ ऐसा कुछ नहीं है। चेक किया, अच्छे से किया, फिर उसके बाद अंदर गए तो बस मोबाइल वोबाइल का ही सू था थोड़ा सा। व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब चेकिंग करके और सारा कुछ लाइन बाय लाइन अच्छे से ही भेजा गया। सब मॉनिटर कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई इधर उधर जाने की कोशिश भी कर रहा है तो वहाँ पे गार्ड्स हैं जो रोक रहे हैं। इधर व्यवस्था बहुत अच्छा है मंदिर समिति का। फिजिकली भी हमें चेक किया जाता है सारा, तो वो चीज़ें गार्ड्स वगैरह सब जगह खड़े हैं, अटेंड कर रहे हैं। चेकिंग की व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छे से हो रही है, हर जगह पे गाइड करते हैं सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले। भारत के लोग संतुष्ट हैं, जैसी सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। हाल फिलहाल में ये धमकी देने का मामला बहुत बढ़ गया है। धमकाओ चमकाओ नहीं, फिर कह रहा हूं, इसी खबर को दिखाते दिखाते 5 बार कह दिया, ये नया भारत है। धमकी चमकी आप देते रहते हैं, कर कुछ नहीं पाते और कुछ नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश में ज्यादा सुनने में आ रहा है ये धमकी। सितंबर महीने में ही जबलपुर से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी, याद है आपको, जिसके बाद प्लेन को नागपुर डाइवर्ट किया गया था, हालांकि फ्लाइट में कुछ था नहीं। भोपाल में भी अप्रैल महीने में एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इंदौर के केंद्रीय विद्यालय को भी 15 अगस्त के दिन उड़ाने की धमकी दी गई थी। स्कूल के मेल पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नाम से मेल भेजा गया था। इंदौर में ही मेंटल हॉस्पिटल को भी उड़ाने की धमकी दी गई थी। प्रशासन चौकन्ना हुआ, तलाशी ली गई लेकिन कुछ मिला नहीं। भोपाल में मई महीने में झेलम एक्सप्रेस में बम रखे होने की सूचना मिली थी। रेलवे पुलिस के साथ साथ सुरक्षा कर्मियों ने जांच किया लेकिन कुछ नहीं मिला। खंडवा के एक स्कूल के गेट पर ISI के नाम से धमकी भरी चिट्ठी मिली थी। हाई स्कूल में 6 धमाके करने की बात कही गई थी लेकिन ये केवल धमकियां हैं। ये आगे बढ़ते भारत को दहशत में डालने की साजिश है। सलाम है प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को सलाम है, जो हर तरह की धमकी पर चौकन्ना हो जाती है। महाकाल मंदिर को उड़ाने की धमकी के बाद अभी महाकाल नगरी में क्या माहौल है ये जानने के लिए मुझे कहां जाना होगा, उज्जैन जाना पड़ेगा। संतोष जी कहां खड़े हैं, आपके संघर्ष को भी प्रणाम है सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ, कि कोई खबर आए और आपकी आंखों से आपकी नजरों से अगर चूक जाए ऐसा हो नहीं सकता। कहां खड़े हैं आप, मुझे तो महाकाल परिसर में ही दिखाई दे रहे हैं। और क्या माहौल है, कितना बदला है पहले से लेकर अब तक में, ये सब कुछ दिखा दीजिए ताकि जो श्रद्धालु उज्जैन पहुंचने वाले हैं कालों के काल महाकाल के दर्शन करने के लिए, वो निश्चिंत रहें और ये लाइसेंस उन्हें मिल जाए, ये गारंटी मिल जाए कि ये नया भारत है, धमकियों से नहीं डरने वाला। संतोष, बिल्कुल ज्ञान डरने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि कालों के काल महाकाल साक्षात, अगर महाकाल के नेत्र खुल जाए तो जैसे मौत क्या पूरा जो जो भी धमकी देता है वो नष्ट हो जाएगा। और सुंदर नज़ारा हम आपको महाकाल लोक परिसर का दिखाते हैं, जहाँ लोग देख सकते हैं बेखौफ तरीके से यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई धमकी भरा उन्हें कोई भी ऐसा एहसास नहीं है कि किसी ने धमकी दी है, क्या होगा, जो धमकी देगा उससे तो साक्षात बाबा महाकाल निपटेगा। लेकिन फिर भी हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जैसे ही अगर किसी प्रकार का कोई संशय होता है तो अलर्ट मूड पर पूरा प्रशासन हो जाता है। महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो सुरक्षा कर्मी 2 लेयर में यहाँ पर चेकिंग करते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी बाकायदा यहाँ पर चेकिंग होती है, उसके बाद ही यहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। 2 बैरिकेडिंग के माध्यम से उनको अंदर प्रवेश लेना पड़ता है और उसके बाद महाकाल मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचता है, वहाँ पर भी चेकिंग होती है। लेकिन एक कमी हमें ज़रूर दिखाई दी, क्योंकि महाकाल मंदिर के जो गेट हैं यहाँ पर
स्कैनर मशीन जो लगी हुई वो अटाले जैसी हालत में पड़ी है, तो महाकाल प्रबंध समिति और जिला कलेक्टर को इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि कभी भी अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो वहाँ पर भी अलर्ट मोड पे एक सायरन बजे और मशीनों में भी जो श्रद्धालु अंदर जाते हैं वो बकायदा वहाँ पर चेकिंग जो मशीन होती है उस मशीन में बैग रख के अपना वहाँ पर जा सकते हैं। ये जरूरी हमें खामी दिखाई दी, लेकिन जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस अधीक्षक की बात करें, हालांकि उनके पास चलिए सुनिए संतोष जी आपने विस्तार से सब कुछ बता दिया। संतोष जी आपने विस्तार से सब कुछ बता दिया, जो कमी थी वो भी बता दिया, और जो कमी है मुझे यकीन है वो कमी आप जाके प्रशासन को भी बता देंगे, वो भी ठीक हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। विस्तार ने उसका सहयोगी भी बहुत तत्पर है, बहुत जिम्मेदार है। बहुत शुक्रिया आपका ये सब कुछ बताने और रात में परिसर में जाके सब कुछ दिखाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है? रेलवे की गलती से चली जाती 100 लोगों की जान, बच गई है। इस खबर को देखिएगा, एक बस को ट्रेन से बहुत खतरा हो गया था, इतने नशे में थे कि रेलवे फाटक ही खुला छोड़ दिया। बताइए हद है ये तो। खबर मध्य प्रदेश के अशोक नगर से आई है, अशोक नगर के। अगली खबर क्या है? रेलवे की गलती से चली जाती 100 लोगों की जान, बच गई है। इस खबर को देखिएगा, एक बस को ट्रेन से बहुत खतरा हो गया था, इतने नशे में थे कि रेलवे फाटक ही खुला छोड़ दिया। बताइए हद है ये तो। खबर मध्य प्रदेश के अशोक नगर से आई है, अशोक नगर के साढ़ोरा रेलवे फाटक की तस्वीर है। मंगलवार देर रात को कर्मचारी फाटक बंद करना भूल गया, बताइए बैरियर गिराना भूल गया था, जिससे बड़ा हादसा होते होते बच गया। और फाटक क्यों नहीं बंद किया जानते हैं? क्योंकि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी नशे में थे। रेलवे फाटक खुला था तो गाड़ियां गुजर रही थी, इसी बीच एक बस गुजरने लगी। गनीमत रही कि बस ड्राइवर ने समझदारी दिखाई और ट्रेन को देखकर तुरंत रिवर्स कर लिया। लोको पायलट ने भी ट्रेन की रफ्तार धीमी कर दी। सोचिए क्या होता, जो बस रेलवे फाटक से गुजर रही थी उस बस में करीब करीब 100 यात्री सवार थे। बैरियर खुला होने की वजह से दो ट्रेनों के बीच बस आ गई थी। गनीमत रही कि समय रहते लोको पायलट और बस ड्राइवर ने अपनी समझदारी दिखाई, ट्रेन को रोक दिया, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास के लोग और लोको पायलट ने फाटक के कर्मचारी को जबरदस्त फटकार लगाई। जैसे ही खबर आम जनता तक पहुंची लोग गुस्से में आ गए। विस्तार न्यूज़ ने अशोक नगर के लोगों से इस पर बात की है, लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। लापरवाही तुम प्रशासन की कहेंगे? गार्ड की लापरवाही है ना, वो कर्मचारी है, अपनी ड्यूटी पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये लापरवाही तो उनकी है जो वहाँ पे ऑन स्टाफ ऑन ड्यूटी था, उनका जो सीनियर है उनकी लापरवाही है। पे जो मौजूदगी में अबे जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो उनको ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को फाटक पे नहीं रखना चाहिए। दारू पीकर ये अपने ड्यूटी टाइम पर, सर ये कौन सा शौक है आप बताइए मुझे, इस व्यक्ति पर खूब बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। लोग गुस्से में हैं, गुस्से में होना भी चाहिए। कह रहे हैं प्रशासन की लापरवाही है, कोई ड्यूटी में ऐसा कैसे कर सकता है? बिल्कुल ठीक सवाल है, कोई नहीं कर सकता। वाकई सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है कि कोई नशे में इतने लोगों की जान से खिलवाड़ कैसे कर सकता है। इस तरह की खबर इसलिए दिखाना जरूरी है कि आगे इस तरह की हरकत ना हो। आगे चलते हैं, और आगे कौन सी खबर है भाई? 30 गाँव में 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी हो गई है। कहाँ का गाँव है भाई जहाँ 10 करोड़ रुपया है? कौन सा गाँव है और कैसे ठगा गया है? मन में आई नहीं आपके अंदर भी जिज्ञासा, आपके मन में सवाल आ रहा है कि नहीं? गांव में 10 करोड़ होता है भाई आजकल हर जगह। ठगी की खबर आई है, बहुत बड़ी ठगी हुई है। जाल बिछाकर ठग 10 करोड़ रुपए उड़ा ले गए। लालच के चक्कर में कई सालों की कमाई चली गई गांव वालों की। बहुत बड़ा मामला सामने आया है, कई लोग शिकार हुए हैं, कई लोग पीड़ित हुए हैं। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का है, जहां 30 गांव के करीब 300 से ज़्यादा लोग ठगी के शिकार हुए। और जानते हैं ये ठगी कितने रुपयों की है? करीब 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी हुई है, 10 करोड़ से भी ज़्यादा। बहुत बड़ा अमाउंट होता है 10 करोड़, बहुत बड़ा। तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर रामदयाल यादव की, अपना घर बनवा रहे थे, लालच में पड़ के ऐप में पैसा लगा दिए, सोचे पैसा डबल हो जाएगा तो आलीशान मकान हो जाएगा, आलीशान मकान बन जाएगा। लेकिन इस चक्कर में 50,000 रुपये डूब गए, जिसके बाद अब
घर को पूरा कैसे बनवाएंगे इसकी चिंता सता रही है। दूसरी तस्वीर धर्मजीत सोनी की है। बेटियों की फीस का पैसा धोखाधड़ी में चला गया, अब बेटियों की स्कूल फीस जमा करने को लेकर परेशान। ये तो महज कुछ नाम है, आगे बहुत से ऐसे लोग हैं। किसी को बेटे की शादी करानी थी तो कोई बेटी को आगे पढ़ाना चाहता था, किसी को नया घर तो किसी को नए जेवर बनवाने थे, इसके लिए लाखों रुपए जमा किए थे लेकिन सब मिट्टी मिल गया। धोखाधड़ी के चलते सब गवां बैठे, सब गवां बैठे। आगे बात करेंगे लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। कानपुर जिले के 30 गांव के लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। ऑनलाइन ऐप के माध्यम से उनसे ठगी कर लिया गया है। किस तरीके से लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई ऑनलाइन ऐप के माध्यम से खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। कंपनी 4 दिन में पैसा देना बंद कर दी, उसके बाद कंपनी और ऐप खुलना बंद हो गया, उसके बाद पता चला कि कंपनी सब लेके भाग चुका है। ये कंपनी अलग अलग स्कीम लेके आई कि चांदी कोड़ती है तो सोना कोड़ती है, तो फगास्ता करके थी। पैसा को मैं रखा था बच्चे लोगों का फीस के लिए, तो मैं सोचा कि लगा देता हूँ, फिर तो आई जाएगा पैसा। 9,900 लगा दिए, बाकी हम लोग 3,000 आया, बाकी चल गया। ब्याज पैसा लिए थे, लाने के लिए लिया था, तो कहाँ बढ़ा पाएगा, वो पूरा पैसा उसका डूब गया। वो पैसा को मैं सोचा था कि अगर आ जाता तो कम से कम कुछ उससे छोटा मोटा बिजनेस करता, अपना घर बार चलाता, पर अब कंपनी लास्ट में धोखा दे के चल गया। सब लोग लगा रहे हैं तो मैं भी सोचा कि लगा दूँ, इसमें भी अपना घर बन जाएगा, इसमें अब कहाँ बनेगा, सब तो पार हो गया। मेहनत से कमाया था कि अपने बाल बच्चे को अच्छे ढंग से शादी करूं या कुछ कुछ, कोई भी सपना कुछ अपने अच्छे के लिए करता है, रखता है, लेकिन सब खत्म हो गया। कई लोगों के सपने टूट गए हैं, इस ठगी से लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आखिर इतनी बड़ी ठगी कैसे हुई, ये भी विस्तार से जान लीजिए, सब कुछ आपको बता देता हूँ। दरअसल लोगों को ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट करने का झांसा दिया गया और हर तीसरे दिन जमा किए गए रुपए को दोगुना होने का विश्वास दिलाया गया। लालच में आकर लोगों ने अपनी जमा पूंजी इस ऐप में लगा दी। लोगों ने पैसे डबल होने की लालच में अपनी जमीन गिरवी रखकर कर्ज तक ले लिया। सोचिए भाई, जमीन गिरवी रख के कर्ज ले लिया, पैसा लगाने के कुछ दिनों बाद सबके बैंक अकाउंट खाली हो गए, जिसके बाद लोगों को ठगी का एहसास हुआ। इस ठगी के जाल को ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से जान लीजिए। एंटाफकेस्टा नाम के, बताइए नाम है इतना उलझुल है, एंटाफकेस्टा नाम के ऐप में लोगों ने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। ऐप का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया था जिसके जरिए लोगों को लालच दिया जाता था। इस ग्रुप में 700 से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया था, यानी पूरे बलरामपुर जिले में 700 से ज्यादा लोग इस ऐप के जाल में फंसे थे। रुपए इन्वेस्ट करने के बाद कुछ दिनों तक लोगों को हर दिन 800 रुपए दिए गए। पैसा पहले दिया गया कि आपको लगे कि पैसा आ रहा है। लगभग हर पीड़ित व्यक्ति ने 50,000 से 1,00,000 रुपए तक इन्वेस्ट किया था। मामले को लेकर क्या कह रहे हैं अधिकारी शैलेंद्र पांडे, SP बलरामपुर, ये भी सुन लीजिए। फकेस्टा ऐप है एक, जिसको डाउनलोड कराकर पैसा डबल करने की लालच दिया गया, उसके बाद ठगी किया गया है। इस संबंध में थाना चलगली में कल ग्रामीणों ने शिकायत पत्र दिया है, जिसको जांच में रखकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जांच के बाद जैसा भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ी ठगी, SP साहब पकड़िए। 10 करोड़ कमाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, पसीने निकल जाते हैं। कहते हैं लालच बुरी बला है, लालच में मत पड़िए, ठगों से हमेशा सावधान रहिए। ठगी के कई मामले दिखा चुका हूं और फिर कह रहा हूं, झांसा देने वालों से दूर रहिए और पुलिस को इसकी शिकायत करिए, ताकि आपके जीवन भर की कमाई कोई ठग इस तरह से ना उड़ा ले जाए। और हाँ, पैसा डबल नहीं होता है, पैसा कोई कह के डबल होता है तो इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। सिंगल पैसा रहा है वही बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस ने दिखाया दम, न्याय यात्रा खत्म। और ये देखिए, कल ही मृगेंद्र पांडे कहाँ हैं, आज भी जोड़ लीजिए अगर हैं तो। कल मृगेंद्र पांडे ने बताया था कि बड़े नेता नहीं आ रहे हैं, विस्तार न्यूज ने विस्तार से दिखाया था, और आज देखिए हाथ पे हाथ। ठीक है, अच्छी खबर,
छत्तीसगढ़ में कई दिनों से कांग्रेस न्याय यात्रा कर रही थी। इस न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार पर खूब हमला किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने खुद फ्रंट में रहकर इस न्याय यात्रा की अगुवाई की। कांग्रेस ने इस यात्रा के जरिए जमीनी स्तर पर आम जनता से संपर्क बनाने की कोशिश की। गिरौदपुरी से शुरू हुई ये न्याय यात्रा 6 दिनों के बाद आज राजधानी रायपुर में खत्म हो गई। 27 सितंबर को कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा शुरू हुई थी। इस यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता 125 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले। आज यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ये यात्रा खत्म हो गई। रायपुर के गांधी मैदान में विशाल जनसभा के बाद इस यात्रा को खत्म किया गया। इस सभा में कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव मौजूद रहे। सरकार पर नेताओं ने खूब निशाना साधा है। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तय कर ले, मुख्यमंत्री साहब दीपक बैज टिकट करने को। कांग्रेस के नेता खूब आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष में हैं तो आरोप लगाना इनका काम है। और अब इस आरोप का जवाब खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नाकामियों को याद करते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया है। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये भी सुन लीजिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में जो वादा उन्होंने किए थे, 2018-19 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता से, और उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए, और इस कारण से 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आउट कर दिया। तो जो 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ का विकास रोका, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात किया, इसलिए उनको क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। शांत, शालीन और बहुत कम बोलने वाले मुख्यमंत्री बड़ी बात कह गए। कह रहे हैं जो किया है पुरानी सरकार में उसके लिहाज से कांग्रेस को क्षमा यात्रा निकालना चाहिए, न्याय यात्रा नहीं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कांग्रेस को क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। सीधे मुद्दे की बात तो यही है कि कांग्रेस की न्याय यात्रा आज खत्म हो गई है। अब कांग्रेस की इस न्याय यात्रा की जमीनी स्तर पर कितना असर होगा ये तो आने वाले समय में पता पड़ चल जाएगा। लेकिन अंदर की खबर कुछ निकाल कर पक्का लाए होंगे। कौन? मृगेंद्र पांडे, बताइए कहाँ झाड़ रहे हैं, गाड़ रहे हैं आज अपने झंडे, और क्या बताएंगे, नया अपडेट क्या लेकर आए हैं, बताइए मृगेंद्र जी। न्याय यात्रा तो खत्म हो गई। देखिए, न्याय यात्रा के बहाने दीपक बैज ने 3 मोर्चों पर सफलता की कोशिश की है। पहला ये कि कांग्रेस जो विपक्ष में है उसे मजबूत दिखाने की कोशिश। 130 किलोमीटर की यात्रा में जिस तरीके से दीपक बैज ने नेतृत्व किया और जिन मुद्दों को उठाया, वो ये बताने की कवायद है कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष है। दूसरा, दीपक बैज खुद को कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष तो बन गए, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए उनकी ये यात्रा काफ़ी अहम है और महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। तीसरा, जो सबसे बड़ा और सबसे चुनौतीपूर्ण टास्क था दीपक बैज के लिए कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, बड़े पूर्व मंत्री रहे हैं चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन लोगों के बीच तालमेल बिठाना, जो गुटबाजी है उस गुटबाजी के आगे की कांग्रेस को खड़ी करना। तो जो ये 6 दिन इनकी यात्रा चली है उसमें इन 3 टास्क को पूरा करने की दिशा में दीपक बैज ने काम किया है, जो कुछ हद तक सफल होता नज़र भी आ रहा है। क्योंकि आप देखे होंगे कि मंच पर जिस तरीके से भूपेश बघेल ने अपने भाषण में दीपक बैज की तारीफ की, या डॉक्टर चरणदास महंत ने तारीफ की, या टीएस सिंहदेव ने, वो बताता है कि गुटबाजी जो है अब सार्वजनिक रूप से नहीं दिखेगी, अंदर खाने जो गुटबाजी चलती रहती है। यही बड़ी सफलता मुझे लगता है मृगेंद्र भाई, मुझे लगता है कि राजनीति का चरित्र भी यही है और राजनीति करनी भी ऐसी चाहिए। और दीपक बैज इस लिहाज से
सफल हुए हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं आपकी बातों से जो मैं समझ पा रहा हूं कि खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए भी दीपक बैज के लिए ये पदयात्रा बहुत जरूरी थी कि भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, देखिए मैं इनिशिएटिव ले रहा हूं, आइए मेरे साथ चलिए और मैं सरकार पर हमलावर हूं। बहुत अच्छा विश्लेषण किया मृगेन भाई आपने, लेकिन मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। सुनने का मन तो और था लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगली खबर क्या है? बहुत अच्छी खबर है, बस का किराया ज्यादा था, पापा ने साइकिल बना दी। बताइए, पापा मैकेनिक हैं, बेटा साइकिल में जा रहा है। ये साइकिल साधारण नहीं है। बेटा परेशान हो रहा था, किराया ज्यादा था। पिता बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। एक पिता के पास बेटे को बस में भेजने के लिए पैसे नहीं थे, साइकिल चलाता था तो थक जाता था। मैंने मैकेनिक पिता ने अपने बेटे के लिए एक अनोखी साइकिल बना दी। ये तस्वीर देखिए, ध्यान से देखिए, मेरे बगल में चल रही है। और हर बेटा देखे, बाप का प्रेम देखे, पिता की मोहब्बत देखे कि किस तरह से। यह कोई मामूली साइकिल नहीं है। एक पिता ने अपने बेटे के लिए नई खोज की है। मैकेनिक पिता ने बेटे के लिए बैटरी वाली साइकिल बनाई है, बैटरी वाली। मामला छत्तीसगढ़ के बालोद जिले का है। यहां दुपचेरा गांव के रहने वाले संतोष ने एक अनोखा जुगाड़ किया। बेटे को स्कूल लाने के लिए, स्कूल मास की जाने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए संतोष ने बैटरी से चलने वाली साइकिल बना दी। दरअसल संतोष के बेटे किशोर का स्कूल गांव से 20 किलोमीटर दूर है। पहले तो संतोष का बेटा किशोर स्कूल बस से जाता था, लेकिन बस का किराया ज़्यादा होने के चलते काफ़ी दिक्कत होती थी, जिसके बाद संतोष ने कबाड़ पड़े साइकिल में बैटरी, एक्सीलेटर, लाइट, हॉर्न, इंडिकेटर के साथ बाइक के सारे सामान लगा दिए और बैटरी वाला साइकिल तैयार कर दिया। इस साइकिल में वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो एक बाइक में होती हैं। संतोष वेल्डिंग का काम करते हैं और वेल्डिंग करके ही उन्होंने साइकिल का संसाधन जुटाया। जुगाड़ से बनी ये साइकिल एक बार चार्ज होने पर 80 किलोमीटर तक चलती है। भाई साहब कितनी? 80। पिता और पुत्र क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए। अर्जुंदा जाए ऊपर परेशानी हो रही से, बस से आया था इस, तो किराया भाड़ा बहुत ज़्यादा लग जा रहा था, जुगाड़ जमाना पड़ी। 3 साल हो गए बनाए, 80 किलोमीटर चल रहे थे, तो किराया ज़्यादा लग रहा है ऊपर वजह से। मुलाए बनाना अच्छे और लेकर भेजना स्कूल, ये सोच लगा के बनाओ। बधाई हो संतोष भाई, बहुत बहुत बधाई हो। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, इस वीडियो में पिता का प्यार छिपा है, इस वीडियो में इमोशन है। आज सुबह हमारे सहयोगी रवि मिरी ने ये वीडियो शेयर किया, तभी मैंने सोच लिया ये तस्वीर विस्तार से दिखाएंगे और संतोष भाई से बात भी करेंगे, इसलिए विस्तार से दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर क्या है? अगली खबर बताइए, सबसे ज़्यादा काम किस देश के लोग करते हैं? हम करते हैं सबसे ज़्यादा काम हम लोग करते हैं भाई, ये रिसर्च है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, 1 अक्टूबर को 1 साल हो गया है, 1 अक्टूबर को विस्तार में मुझे 1 साल हो गया है, आज तक छुट्टी नहीं लिया हूँ। चैनल को 6 महीने हो गए, आप खूब प्यार दे रहे हैं, खूब आशीर्वाद दे रहे हैं, हमसे ज़्यादा कौन काम करता है? लेकिन रिसर्च है, रवि मिरी लाए हैं, चलिए सब कुछ बता देता हूँ। आप रोजाना कितने घंटे के शिफ्ट में काम करते हैं? और हाँ, हमारे चैनल में ऐसे न जाने कितने साथी हैं जो छुट्टी होती है और श्वेता राय आउटपुट हेड हैं, अगर वो कह देती हैं कि भाई कोई आ नहीं रहा है, परेशानी है, तकलीफ है, तो लोग लिख देते हैं कि नहीं हम आ रहे हैं मैडम, आप तनाव मत लीजिए, हम आ रहे हैं, हम काम करेंगे। विस्तार के सब सहयोगी ऐसे ही हैं, इसी वजह से विस्तार हो रहा है। लेकिन खबर शिफ्ट से जुड़ी है, शिफ्ट में काम करते हैं, सप्ताह में कितने घंटे ऑफिस में समय बिताते हैं? मैं तो पत्रकारिता करता हूँ तो इसमें घंटे का तो कोई ऑप्शन नहीं है, दिन रात काम चलता है। लेकिन आज आपको इसी से जुड़ा एक रिसर्च बताऊंगा, सुनकर चौंक जाएंगे आप। जानते हैं, काम के मामले में भारत के लोग अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा काम करते हैं। मतलब भारत हर सप्ताह काम करने के औसत घंटे में अमेरिका और यूरोप से आगे है। भारत कितना आगे है? साथ ही महिला और पुरुष में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। किस देश में लोग कितना काम करते हैं, इसकी जानकारी इंटरनेशनल
लेबर ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा मेहनती एशिया के लोग। किस देश में हर सप्ताह लोग कितने घंटे औसत काम करते हैं, ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से चलिए ये भी आपको समझा देता हूं। भूटान में लोग हर सप्ताह 54 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में लोग करीब 47 घंटे काम करते हैं। भारत के लोग भी हर सप्ताह करीब 47 घंटे काम करते हैं। चीन में लोग हर सप्ताह 46 घंटे से ज्यादा और रूस में लोग 39 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। अमेरिका में 38 घंटे और ब्रिटेन में करीब 36 घंटे काम करने वाले लोग हैं। साथ ही जर्मनी में लोग 34 घंटे से ज्यादा और ऑस्ट्रेलिया में लोग 32 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। समझ गए आप, पूरे देश का आंकड़ा बता दिया। यानी कि भूटान के लोग हर सप्ताह सबसे ज्यादा 54 घंटे काम करते हैं, मतलब दिन में करीब 8 घंटे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लोग सबसे कम 32 घंटे काम करते हैं, मतलब दिन में बस 4.5 घंटे, और भारत में लोग हर दिन 6.5 घंटे औसतन काम करते हैं। वहीं अमेरिका के लोग 24 घंटे में केवल 5 घंटे ही काम करते हैं। सुनिए भाई, हमारे दफ्तर के लोग, आप लोग और घंटा बढ़ाइए, विस्तार तेजी से करना है। किस सेक्टर के लोगों के पास काम का सबसे ज्यादा बोझ होता है, ये भी विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं किसके पास सबसे ज्यादा बोझ है। इंफॉर्मेशन सेक्टर में लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। इस सेक्टर में कर्मचारी हर सप्ताह करीब 58 घंटे काम करते हैं, मतलब हर दिन 8 घंटे से ज्यादा काम होता है। स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य में लोग करीब 55 घंटे काम करते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में लोग 48 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, जबकि कृषि सेक्टर में लोग हर सप्ताह 38 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। मीडिया और पत्रकारिता भी जोड़ लेना चाहिए रिसर्च वाले, आप लोग का रिसर्च मुझे लगता है थोड़ा अधूरा है, यहां भी 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है। खैर, इंफॉर्मेशन सेक्टर था, उसमें ही हम लोग आते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि सबसे ज्यादा काम महिला करती हैं या पुरुष। खेती किसानी के काम में पुरुष हर सप्ताह 40 घंटे से ज्यादा काम करता है, जबकि महिला 30 घंटे से ज्यादा काम करती है। शिक्षा के क्षेत्र में पुरुष 50 घंटे और महिला 46 घंटे काम करते हैं। इंफॉर्मेशन सेक्टर में पुरुष 58 घंटे और महिला 56 घंटे काम करती है। समझ गए आप, काम के मामले में महिला पुरुष में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जितना पुरुष काम करता है उसी रफ्तार में महिला भी काम करती है। आप समझ गए, टाइम हो गया 8:51, ज्यादा टाइम हो गया। अगर आपको नवरात्र में सब रंग देखना है, सब कुछ देखना है, बहुत ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा, तो आप विस्तार न्यूज देख लीजिएगा। और हाँ, नवरात्र से जुड़ी कुछ जानकारी, अपने घर की या झांकी, अगल बगल मोहल्ले की झांकी अगर कुछ भेजना है तो 8282824982 पर भेज दीजिएगा। आपके मोहल्ले की झांकी विस्तार न्यूज में हम दिखाएंगे, क्योंकि ये आपका अपना चैनल।